हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशा टॉक्स। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपैन की तरफ से आई हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी 2022 पास आउट बैच के लिए होने वाली है। सो अगर आप 2022 बैच से बिलोंग करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको 6 LPA तक का पैकेज देखने मिल जाता है। तो पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। तो गाइस वीडियो के एंड तक के जरूर देखें, डेफिनेटली वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे चैनल पर आपको और भी ऑफ कैंपस ड्राइव रिलेटेड वीडियोस देखने मिल जाते हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ईपैम इंडिया हायर कर रही है गाइस हायरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होने वाली है जो कि 2022 में पास आउट होने वाले। जैसे कि आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी 2022 ग्रेजुएट्स ओनली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, बीटेक एमई एमटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीएसई ईसी आईटी या तो अदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हो तो ओके। सो गाइस सीएसआईटी एंड जो सर्कुलर ब्रांच है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो कोर ब्रांचेस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और परसेंटेज क्राइटेरिया आप देख सकते हो, 60% क्राइटेरिया है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे। जॉब लोकेशन की बात कर ली जाएगा इस हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु और एनी ऑफ द ईपैम इंडिया ऑफिस। तो यहाँ पे 3 मेजर लोकेशन मेंशन की गई है आप सभी के लिए, और बाकी जो ईपैम के ऑफिस है वहां पर भी आपको मिल सकता है, लेकिन मेजोरिटी चांसेस यही है कि आपको हैदराबाद, पुणे या बेंगलुरु में जॉब मिल जाए। ओके, ट्रेनिंग की बात कर ली जाए तो हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। हायरिंग प्रोसेस की बात कर ली जाए तो दो राउंड होने वाले हैं ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट के, उसके बाद वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, वीडियो टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। ओके, सो गाइस दो कोडिंग असेसमेंट राउंड होने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन भी इसमें इंक्लूड है, ये चीज आप ध्यान में रखें, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। ओके, बाकी जो नॉर्मल इन्फोसिस एसेंचर में नहीं होता है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन रखा गया है। वीडियो टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होने वाला है और फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल के थ्रू शेयर कर दी जाएगी। जॉब टाइटल की बात कर ली जाए, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। सैलरी की बात कर ली जाए तो 6 LPA पैकेज आपको दिखने मिल जाता है, साथ साथ स्टैंडर्ड बेनिफिट्स भी आपको दिखने मिल जाते हैं। काफी अच्छा सैलरी पैकेज है, एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट आपको 6 LPA का पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको दिखने मिल जाता है, यहाँ पे मल्टीपल आपको टेक्निकल स्किल्स देखने मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना होगा, जैसे कि टेस्टिंग आ जाती है, फंक्शनल एंड ऑटोमेशन यूजिंग जावा और सी हैश और पाइथन, क्लाउड एंड डेवऑप्स रिलेटेड, सेल्स फोर्स रिलेटेड, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, जेएस, ओके, बिग डाटा, इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको वर्क करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट डेट की बात कर ली जाए तो 17 दिसंबर फ्राइडे से आपका राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है एंड राउंड 2 मंडे 20 दिसंबर से होने वाला है। तो ये आपको टेंटेटिव डेट्स मेंशन की गई है और यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ हैदराबाद ऑफिस में आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होने वाली है। ओके, ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो 14 दिसंबर है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ। गाइज अगर आप गेट या ESE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनअकैडमी आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि आप गेट एंड ESE की प्रिपेरेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। अब वो कैसे, सो गाइज गेट एंड ESE के लिए अनअकैडमी एक कॉम्बैट लॉन्च की है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड अगर आप यहाँ पे कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल जाता है अनअकैडमी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, कम्पीट विद 1000 ऑफ लर्नर्स एंड स्टैंड अ चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड। ओके, सो गाइस आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल जाता है, साथ साथ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे एक्सटेंसिव कॉम्बैट देखने मिल जाता है, लाइव कॉम्बैट देखने मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया के जो लर्नर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड बेस्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे अनअकैडमी के एजुकेटर्स के थ्रू। साथ साथ आपको देखने मिल जाता है लीडर बोर्ड पे भी आप रैंक कर सकते हो। ओके, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो आपको ये भी पता चल जाएगा एंड एग्जाम के बाद आपको इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे अनअकैडमी एजुकेटर्स के द्वारा। ओके, सो यही सभी चीज है, सिंपली आपको अनअकैडमी का अकाउंट ओपन करना है, इनरोल करना है कॉम्बैट के लिए एंड कम्पीट करना है लाइव। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड सिंपली आपको कूपन कोड यूज करना है आशु45। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आप इस कॉम्बैट में फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। नेक्स्ट जो कॉम्बैट होने वाला है वो 12 दिसंबर को होने वाला है,
फिर नेक्स्ट होने वाला है 19 दिसंबर को। तो एवरी संडे जो है ये कॉम्बैट कंडक्ट किया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हो। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है गाइज, यहाँ पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो अनअकैडमी की तरफ से तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है और 10% ऑफ भी आपको मिलने वाला है अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो। तो साथ साथ आपको देखने मिल जाता है अगर आप ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको आईपैड, हेडफोन्स, टैब, स्पीकर्स, अमेजोन वाउचर, इस तरह से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जीतने के मौका मिल जाता है, मल्टीपल चीजें आपको जीतने का मौका मिल जाता है। तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए आप, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब गाइज अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बात कर लेते हैं ईपैम इंडिया बारे में। तो आप देख सकते हो ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑफर कैंडिडेट फॉर फर्स्ट 3 मंथ। ओके, सो अगर आपको ऑफर मिल जाएगा तो आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग कंडक्ट होगी हैदराबाद ऑफिस में। ओके, अगर लॉकडाउन अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो ही, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट होने वाली है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है जहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है वो भी आप देख सकते हो। ओके, आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर फाइनल डिसीजन वो ईपैप के ऊपर होने वाला है। फिर ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नेम, ओके, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी चीजें ऐड करनी है। आपका रेजिडेंस ऐड कर देना है, आप 2022 ग्रेजुएट्स हो तो वो सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है आपको इस ईपैम की हायरिंग के बारे में किस तरह से पता चला, आपकी जॉब लोकेशन क्या होने वाली है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इस तरह से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो बेसिक चीजें फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। आई होप आपको सभी चीज समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।